वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब अली। जाती सर्दियों की बहारें, मैंने कहा कि आज कराची में मौसम फिर अच्छा है, बाहर बारिश हो रही है, हल्की हल्की सर्दी हमें लग रही है, तो आज फिर कोट पहना जाए। लेकिन मुल्क के बाकी इलाकों में यकीनन सर्दी है। वरना कभी कभी रश्क आता है इस्लामाबाद को देखकर, और ख़ास तौर पर एक और बात पर मुझे बड़ा रश्क आता है इस्लामाबाद में, बिकॉज एक लास्ट मेरी ट्रिप में आई रियलाइज़ कि मेरे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज का सोल्यूशन नहीं है। तो आई वेंट टू द लोकल केमिस्ट और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो भी चीज़ वहाँ से ख़रीदारी करते हैं, बिकॉज इस्लामाबाद में प्लास्टिक बैग्स बैंड हैं, तो वहाँ पे मुझे एक भी बैग नहीं मिला। वहाँ पे दे हैड दिस रिसाइक्लेबल मटेरियल जो कि थोड़ा कपड़े जैसी फील देता है, और वो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, और हर जगह आपको वही मिलता है। मुझे याद है बचपन में पहले जगह जगह जब लोग गारबेज को जलाने का एक बड़ा ट्रेंड था कि जी कचरा एक जगह जमा किया, फिर उसको आग लगा दी, और उसमें से हम काला बड़ा ही टॉक्सिक किस्म का धुआं उठते हुए देखते थे। ये हमारी रेगुलर साइट होती थी। हमारे खाकरों को भी पता था कि वो घरों से जो गारबेज इकट्ठा करता था उसको कोने में ले जाके जला देता था। उस वक्त इस बात को रियलाइज़ किया गया कि नहीं जी, ये माहौलियाती तौर पे ये बड़ा ही डेंजरस हो सकता है ओवर टाइम, और अल्लाह का शुक्र है कि ये प्रैक्टिस ख़त्म की गई। लेकिन एक और प्रैक्टिस जो उस वक्त थी कि जितने भी प्लास्टिक बैग्स होते थे उनको रिसाइकिल करने का तरीका ये था कि छोटी छोटी कॉटेज फैक्ट्रीज थी, इन प्लास्टिक बैग्स को दोबारा पिघलाती थी और उसमें काला रंग शामिल कर देती थी। तो होता ये था कि आपकी पहले यानी इस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए सिर्फ थैलियों को नहीं काली थैलियों को बैन किया गया, क्योंकि हमें नहीं पता था वो किस तरह का प्लास्टिक है जो इकट्ठा किया जा रहा है, मुज़रे सेहत हो सकता है, और फिर मज़ीद उसमें काला रंग शामिल करना मेक्स इट इवन वर्स। तो एटलीस्ट अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ट्रांसपेरेंट सफ़ेद थैलियाँ कदरे बेहतर हैं। लेकिन इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला अगर रंगीन थैली की बात की जाए, क्या उसमें मुज़रे सेहत कलर्स डाले जाते हैं? ख़ास तौर पर ये अहम इसलिए है क्योंकि इसी में हम अशिया खुर्दनोश भी लेके आते हैं। कई दफ़ा आप गोश्त लेके आएंगे, चीज़ें लेके आएंगे, और अगर बेहतर क्वालिटी की थैली नहीं है, नीले रंग की है या हरे रंग की, तो जो भी चीज़ आप उस पर लेके आ रहे हैं उस पर भी वो रंग चढ़ जाता है, एंड यकीनन ये इंसानी सेहत के लिए सही नहीं है। और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? पूरी दुनिया ने प्लास्टिक को नो कह दिया है, लेकिन अभी भी हमारे घरों में बड़ी वाफिर मकदार में आपको प्लास्टिक कंटेनर्स नजर आएंगे। यहाँ तक कि पूरा जो फूड बिजनेस है वहाँ पर भी इक्का दुक्का आपको ऐसी दुकानें नजर आएंगी जो थर्माकोल या किसी रिसाइकलेबल मटीरियल से अपने कंटेनर्स बना रही हैं। वरना आप 3 या 4 दिन अगर बाहर से खाना मंगवा लें तो आपके घर में भी 1-2 दर्जन इस तरह के डब्बे जमा हो जाते हैं। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नौशीन नकवी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आज जानना चाहेंगे ये जो घरों में प्लास्टिक कंटेनर्स हैं जिसको हम साल इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक कोई या तो टूट ना जाए या पिघल ना जाए, ये हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं, ये बताइए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आपने इतनी अच्छी बातें की हैं। प्लास्टिक हम समझते हैं कि अच्छा ये वाला प्लास्टिक नहीं तो जो दूसरा थोड़ा सा मिल रहा है महंगा वाला वो प्लास्टिक ले लेते हैं और वो सेफ होगा। हमें सबसे पहले प्लास्टिक की जरूरत है, प्लास्टिक सेफ है ही नहीं। देयर इज नो प्लास्टिक व्हिच इज सेफ। ठीक है, आपको पता है कि प्लास्टिक से ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। आपने इसे बात की ना, एक जमाना था, अब साहब में तो बहुत सख्ती है, नान लेने आप जाते थे और वो आपको डायरेक्टली प्लास्टिक के थैले में रख के दे देते थे। सो हीट है वो उस प्लास्टिक से केमिकल्स रिलीज कराती है, और वो जो केमिकल्स हैं वो आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी कि आपको ओबिसिटी देखने में आया है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, फर्टिलिटी इश्यूज, इतना कुछ आ रहा है, और ये सारी केमिकल जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं प्लास्टिक से उससे हो रहा है। और एक सामने आई जिसमें बताया गया कि एवरी ह्यूमन इंडिविजुअल वो इंजेस्ट करता है 74,000 पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक ईच ईयर। वाओ। और ये जो पार्टिकल्स हैं जब ये आपकी बॉडी में जाते हैं तो ये थोड़ा सा टेक्निकल नेम्स है, मैंने ज्यादा मुश्किल नाम नहीं रखे, लेकिन दो हम एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। दो चीजें हैं, फेटलेट्स और बिस्फिनॉल्स। ये दो बहुत ही कॉमन केमिकल्स हैं जो प्लास्टिक से रिलीज होते हैं और ये बहुत सारी मुश्किलात का सबब बन रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों का सबब बन रहे हैं। यू नेम इट, जैसे स्किन डिजीजेज हैं, अगर गले से आप शुरू करते हैं तो आपके वोकल कॉर्ड्स को अफेक्ट करता है, आपके लिवर को अफेक्ट करता है, मुख्तलिफ कैंसर्स का इशू बनता है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हम लेट उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर नौशीन मुझे एक बात बताइए, हम ज़्यादा फोकस करते हैं, तमाम सुपरमार्केट्स को दुकानदारों को कह देते हैं कि जी रिसाइकलेबल मटेरियल की थैली इस्तेमाल करें, लेकिन जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, बच्चों के लिए कोई जूस ले रहे हैं, कोई चिप्स का डब्बा ले रहे हैं, ये तो खुद प्लास्टिक कंटेनर्स या प्लास्टिक रैपिंग में होते हैं। तो डोंट यू थिंक इट्स अ कैच 22 कि ठीक है उसको रखने वाली थैली की आप बात नहीं कर रहे, लेकिन वो चीज़ जिस तरीके से मुझे दस्तयाब है वो ऑटोमेटिकली प्लास्टिक में आ रही है, और ये तमाम मुझे नुकसान तो फिर भी मैं घर लेके जा रही हूँ।
अच्छा सिद्रा, इसका ये है कि देखो हर चीज का एक स्टेप होता है, ये हुआ ये है कि इतने अरसे से इन सारी चीजों को इन्हीं चीजों में पैक किया जा रहा है। हमारा बीइंग द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमारा फर्स्ट स्टेप ये था कि हम जो चीज कंटेनर है उसको चेंज करें, बट आपकी बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने बात की, तो इसी तरह अगर मैं बात करूं जो प्लास्टिक बॉटल जिसमें हम पानी पीते हैं, बिल्कुल ठीक है, और वो करेट के करेट बाहर पड़े रहते हैं, उन पे धूप पड़ती रहती है, तो इस बात का हम ख्याल ही नहीं करते कि उन बॉटल से भी कुछ रिलीज हो रहा होगा। इस पे भी रिसर्च हुई है, इस पे भी कहा जा रहा है कि या तो शीशे की बोतलें की जाएं या बीपीए फ्री बॉटल्स बनाई जाएं, जो बीपीए बिस्फेनॉल जिसकी मैंने बात की है, ताकि जब आपको पता है जब धूप पड़ती है उस पानी की बॉटल पे, तो उससे केमिकल डाइऑक्सिन रिलीज होता है जो कि ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन रहा है। बहुत अच्छा, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि दुनिया में 80% जो बीमारियां हैं वो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, यानी पानी के ज़रिए वो जरासीम, वो बैक्टीरिया, वो वायरस आप तक पहुंचता है, और तभी एक मार्केट क्रिएट की गई ये स्टडीज़ दिखा के हमें कि जो नलकों में पानी आ रहा है, पहले तो पीने का पानी कम हो गया, उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, लोगों के घरों में पानी नहीं आता, जो पानी टैंकर से दिलवाया जाता है वो इतनी ख़राब क्वालिटी का होता है कि उसको पिया नहीं जा सकता। लेकिन ये जो मार्केट क्रिएट की गई है, आप बिल्कुल सही इशारा करें कि गैलन जो हम पानी का लेके आते हैं वो प्लास्टिक की बोतल में होता है, और उसका कोई हमें इस वक्त नेमल बदल नहीं नजर आ रहा। दूसरा एक आपसे सवाल करना चाहूंगी, हीट रिलेटेड आपने कहा कि अगर ये धूप में पड़ी होती है बोतलें तो यकीनन इससे केमिकल्स का इखराज होता है। अब अगर प्लास्टिक कंटेनर में हम खाना रखे रहें पूरा दिन और उस खाने को माइक्रोवेव में उसी प्लास्टिक कंटेनर में गर्म करें, ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है हमारी सेहत के लिए? ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि केमिकल्स कॉन्स्टेंटली रिलीज होते रहते हैं, और एक दफ़ा नहीं यूज़ होता वो प्लास्टिक, वो एक दफ़ा निकाला जाएगा यूज़ करके, उसको दोबारा फ्रिज में दोबारा से वो माइक्रोवेव ओवन में जाएगा, और आप इसीलिए आपको ख्याल रखना है, इसीलिए माइक्रोवेव फ्रेंडली जो है वो कंटेनर्स आते हैं। और मेरा तो ये पॉइंट है कि अगर आप कोशिश करें तो माइक्रोवेव में सिर्फ सिंपल चीज़ें यूज़ करें, खाने को मत गर्म करें, क्योंकि एक तो खाने में का टेस्ट चेंज हो जाता है क्योंकि वो हीट टेम्परेचर जो हम जिससे कर रहे होते हैं, सेकेंडली केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं। सो आपने अगर देखा होगा वेस्टर्न वर्ल्ड में दे आर वेरी स्पेसिफिक यूजिंग माइक्रोवेव ओवन का जो उनके कंटेनर्स होते हैं वो उसको स्पेसिफिकली यूज करते हैं। तो हम इस चीज का ख्याल रखना होगा, जैसे मैंने शुरू में कहा कोई भी प्लास्टिक सेफ नहीं है। आप कि कोई महंगी क्वालिटी का प्लास्टिक माइक्रोवेव में रखें, स्टिल इट इज एडिंग केमिकल्स टू योर डाइट। सही। अच्छा मुझे बताएं कि हम खाने पीने के हवाले से तो डॉक्टर नौशीन अक्सर बात करते हैं, व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, यानी मेडिसिंस, अगर हम अपनी विटामिंस भी देखें वो प्लास्टिक की बॉटल्स में आती हैं, इसके अलावा हमारा स्किन केयर, जिस कोई भी क्रीम या लोशन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी प्लास्टिक की बोतल में है, क्या ये जो फवायद हैं या ये जो यूजेस हैं प्लास्टिक के, उसमें भी हमारे लिए कोई खतरा है? अगर वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है सिद्रा, और वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में मेंटेन्ड हो रहे होते हैं, और आपने देखा होगा कि वो ओपनली नहीं पड़े होते, इफ दे आर ऑन द काउंटर्स तब वहाँ पे एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट और सारा कुछ है, ठीक है, क्योंकि लेकिन ये जो उसकी बॉटल्स हैं, यस दे आर डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्लास्टिक गार्बेज, जिसपे बहुत ज्यादा इसको किया जा रहा है कि कोई ऐसी चीज हो जो बायोडिग्रेडेबल हो और उसमें आप डालें और उसमें आप करें, ताकि ये इन द लॉन्गर रन जो है जो प्लास्टिक गार्बेज को कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कम किया जाए। अच्छा, आपने अभी यहाँ पे जिक्र किया कि इंसानी सेहत के लिए कितना मुज़र है, और एट एन एवरेज हम बतौर ह्यूमन बीइंग्स हम कितना प्लास्टिक माइक्रोब्स को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं, अपनी खुराक में वो हमारे पेट में चला जाता है, हमारा हिस्सा बनता है। व्हाट अबाउट सी फूड, इस पर बड़ी बात की जा रही है आजकल कि अगर, क्योंकि ये सारा का सारा गार्बेज हमारे दरियाओं में, हमारे समंदरों में, हमारे ओशंस में डंप होता है, तो वहाँ पर जितनी आबी हयात है जिसमें मछलियाँ शामिल हैं, केकड़े शामिल हैं, झींगे शामिल हैं, उनकी बॉडी में भी इस वक्त देखा गया कि उनका पेट चाक करके देखे तो बहुत सारा प्लास्टिक गार्बेज निकलता है, इस पे क्या कहना चाहेंगी? एब्सोल्युटली, और ये जो प्लास्टिक गार्बेज है वो उनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करता है, जो कि उनकी मीट जो कि हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे इफेक्ट करता है, इसीलिए इस चीज को बहुत फोकस किया गया है। जहां पे आप प्लास्टिक की बात करें, सॉरी मैं आपको उसमें, आपको पता है कि जो फेस मास्क है जी, They have become one of the prominent part of this sea garbage. बिल्कुल सही कह रही हैं।
बल्कि हमारे भी इधर उधर हमें उड़ते हुए ये मास्क हर तरफ दिखाई देते हैं और उसके अंदर भी अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है तो यकीनन दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल. सो प्रोबेबली द क्लॉथ मास्क इज़ बेटर. बट बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस आगही की मुहिम को, इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाने के लिए. इंसानी सेहत से और आपकी सेहत से ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं, उसकी हिफाजत कीजिए और यकीनन अपनी नर्चरिंग पे काम कीजिए और इन तमाम चीज़ों को ज़रा सोचिए. हम अक्सर इन चीज़ों को देख कर सोचते हैं कि यार इसको अलग करना या अपनी ज़िंदगी से खारिज करना मुमकिन नहीं है, बट स्मॉल स्टेप्स डू मैटर. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी विल बी राइट बैक.